हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर, एक फिक्स मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाए जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। और ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने 2017-18 से लगातार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थाओं में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। जो एक छवि खराब हुई थी उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के एक अड्डे से बन गए थे, ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे, और बाकी जो 3 महीने बचते थे इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था हुआ नहीं हो पाता था। यह पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए नजीर भी बना कि 14 से 15 दिन के अंदर परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं को संपन्न कराना और अगले 14 दिन के अंदर परिणाम लाना, यह माध्यमिक शिक्षा ने गत वर्ष करके दिखाया। नकल विहीन परीक्षा होगी यह भी करके दिखाया, और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तय समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सके। अवश्य किया जा सकता है और इस दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ने ही चाहिए, और यह प्रयास के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है। जो 219 नौ चयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के रीढ़ होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, कुछ नवाचार हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके, देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सके, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने, अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा, और वह प्रयास एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए,
ऐसा नहीं कि ना हुआ हो, बहुत सारे लोग अपने अच्छे और सकारात्मक कदमों से, उनके द्वारा उठाए गए समय समय पर जो सकारात्मक पहल और कदम थे, उसने वहां पे बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं, और उन परिणामों से प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित हो रही है। आपके सामने एक, जो मैंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उन बच्चों की रुचि के अनुरूप ऐसा कौन से कार्यक्रम हम वहां लागू कर सकते हैं जो वह विद्यार्थी जब वहां से अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो समय अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यक्रम बन सकते हैं, 3 महीने के 6 महीने के पाठ्यक्रम, विभाग भी उसको बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम उसके साथ साथ, उनका अगर वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए चयन करना। इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं, एक उस जनपद उस क्षेत्र की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप, दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, 3 महीने या 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे जो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ वह विद्यार्थी आगे बढ़ा सकता है। आप राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन रहे हैं, हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां के छात्र नीट और आईआईटी जेई की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं, और कोचिंग के लिए जाकर के वे लोग वहां पे कोचिंग लेते हैं, कोचिंग लेकर के उनके द्वारा अनेक प्रकार से वहां पर, कभी कभी कुछ छात्रों के सामने तो स्थिति हो जाती है कि ना वो कोचिंग ही पूरा कर पाते हैं ना अपना पाठ्यक्रम ही पूरा कर पाते हैं। अगर आपके कॉलेज में, आज तो सरकार ने पहले से पहल की है, याद करिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने जब कोटा में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित वापस हम लोग लेकर के आए थे, तो उनकी सुविधा के लिए हमने अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आप भी अपने आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है, 1 घंटे के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए जो शिक्षक होंगे उनको कह करके कि भाई 1 घंटे का समय वह अतिरिक्त उन बच्चों के लिए दे दें, और पाठ्यक्रम से इतर नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर कौन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन सा करिकुलम का पार्ट ऐसा हो सकता है जो इस पाठ्यक्रम के लिए, जो आने वाला इंट्रेंस एग्जाम होगा आईआईटी जेई का या नीट का, उसमें उन बच्चों की मददगार हो सकता है। अगर उसके लिए अलग से क्लास चले तो मुझे लगता है कि अभ्युदय कोचिंग में भी आप अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस कोचिंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, परिवार की आय अलाउ नहीं करती, लेकिन अभिभावक की एक लालसा होती है कि मेरा पुत्र भी अच्छा चिकित्सक बने, मेरा पुत्र भी इस परीक्षा को पास करते हुए अच्छा इंजीनियर बने।